हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट वन। टुडे आवर टॉपिक इज भारतीय समाज की आधार संस्थाएं जाति व्यवस्था। ओके, बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम। ओके, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। वाई मजूमदार, मजूमदार के शब्दों में जाति एक बंद वर्ग है। भारतीय समाज के पिछले 2000 वर्ष के इतिहास में जाति व्यवस्था यहाँ सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक स्तरीकरण के निर्धारण का सर्व प्रमुख आधार रही है। एक और हिंदू स्मृतियों ने जाति व्यवस्था को इसकी उपयोगिता के आधार पर एक लाभप्रद संस्था के रूप में स्पष्ट किया है। वहीं दूसरी ओर आज यह व्यवस्था एक ऐसे अभिशाप के रूप में विकसित हो गई है जिसके फलस्वरूप संपूर्ण हिंदू समाज एक दूसरे से पृथक बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों में छिन्न भिन्न हो गया। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस व्यवस्था की प्रकृति, उत्पत्ति तथा भारतीय समाज के लिए इसकी भूमिका के बारे में एक दूसरे से भिन्न इतने अधिक विचार प्रस्तुत किए हैं कि अक्सर इस संस्था को समझना कठिन हो जाता है। संक्षेप में ये कहा जाता है कि जाति व्यवस्था सामाजिक संस्करण का एक विशेष रूप है जो पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के आधार पर विभिन्न जाति समूह के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक स्तरीकरण अथवा सामाजिक विभाजन का कोई ना कोई रूप प्रत्येक समाज में पाया जाता है। जिन आदिम समाजों में सभी व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समान समझ लिया जाता है, उनमें भी व्यक्तिगत शक्ति और संपत्ति के आधार पर भी ऊंच नीच का विभेद सदैव पाया जाता रहा है। वर्तमान समाजों में भी व्यक्तिगत कुशलता, योग्यता, संपत्ति, प्रजाति, धर्म अथवा संस्कृति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप अवश्य ही देखने को मिलता है। अनेक विद्वान यह मानते हैं कि विभिन्न समूहों के बीच ऊंच नीच का यह विभाजन इसलिए उपयोगी है कि इसी के फलस्वरूप सभी व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता को बढ़ाकर निम्न से उच्च स्तर की ओर उठने का प्रयत्न भी करते हैं। इसके विपरीत जब व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता में परिवर्तन हो जाने के बाद भी व्यक्ति की जाति अथवा जन्म की परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इससे एक बंद समाज का निर्माण होता है। इन्हीं दशाओं को क्रमशः खुला स्तरीकरण तथा बंद स्तरीकरण, ओपन स्ट्रेटिफिकेशन एंड क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण के रूप का ही सबसे स्पष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जाति व्यवस्था अर्थ तथा परिभाषा, कास्ट सिस्टम मीनिंग एंड डेफिनेशन। शाब्दिक रूप से जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जात से हुई है जिसका अर्थ है जन्म। इसका तात्पर्य है जिस समूह की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है उसे हम जाति कहते हैं। जाति शब्द को यदि अंग्रेजी के शब्द
कास्ट का अनुवाद माना जाए तो भी इसमें जन्म का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अंग्रेजी शब्द कास्ट, कास्ट लैटिन शब्द है ये, जो कि कास्टा से बना है, जिसका अर्थ है वंश, नस्ल, जन्म तथा विभेद। इससे स्पष्ट होता है कि संसार के विभिन्न समाजों में कहीं भी जन्म, वंश अथवा प्रजाति भेदभाव के आधार पर एक दूसरे से उच्च और निम्न समूह का निर्माण होता है। वहां उन्हें एक जाति के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए यूरोप में गोरे लोग नीग्रो अथवा काली प्रजाति के लोगों में किसी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। प्रजाति के आधार पर गोरे बच्चों को आरंभ से ही काले लोगों से भेदभाव करना सिखाया जाता है। पूर्ण सामाजिक समानता में विश्वास करने वाले मुसलमानों में भी रक्त की शुद्धता, व्यवसाय और वंश के आधार पर 100 से अधिक उच्च, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों का निर्माण हो चुका है। इससे पुनः स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा के आधार पर विकसित होने वाला सामाजिक संस्करण का एक विशेष रूप है। नेक्स्ट है जाति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कास्ट। व्हेन ए क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी वी मे कॉल इट ए कास्ट। चार्ल्स फुले ने उपर्युक्त विचार का समर्थन करते हुए लिखा है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है तब यही वर्ग एक जाति के रूप में बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू केतकर ने जन्म पर आधारित सदस्यता तथा अंतर्विवाह को जाति की दो विशेषताएं, दो प्रमुख विशेषताएं मानते हुए इसे परिभाषित किया है। आपके अनुसार जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने उसी समूह में जन्म लिया हो तथा जिसके सदस्य पर एक दल सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। इस आधार पर केतकर ने लिखा है, अंतर्विवाह में जाति व्यवस्था का सार तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है मजूमदार तथा मदन के अनुसार। जाति एक बंद वर्ग है। इससे स्पष्ट होता है जिस प्रकार विभिन्न वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक दूसरे से भिन्न होती है उसी तरह विभिन्न जातियों की स्थिति में भी एक संस्करण और असमानता देखने को मिलती है। इसके बाद भी जाति एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति को अपनी स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस स्थिति में जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट है चार्ल्स फुले के अनुसार। चार्ल्स फुले ने उपयुक्त विचार का समर्थन करते हुए लिखा है, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित हो जाती है तब यही वर्ग एक जाति के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेनार्ट के अनुसार। जाति व्यवस्था का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें कोई समाज स्वयं में पूर्ण अनेक पृथक इकाइयों में विभाजित होता है तथा इन सभी इकाइयों के पारस्परिक संबंध उच्चता और निम्नता के क्रम में धार्मिक आधार पर निर्धारित होते हैं। इस कथन के द्वारा सेनार्ट ने स्पष्ट किया है कि जाति व्यवस्था एक ऐसा सामाजिक विभाजन है जिसे धार्मिक स्वीकृति मिली होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है माइकेल के अनुसार, जाति व्यवस्था एक अनुवंशिक अंतर्विवाही और एक व्यावसायिक समूह की ओर संकेत करती है। इसमें अनेक कर्मकांडों और विश्वासों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का जन्म से निर्धारण करके इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। वास्तव में भारत की जाति व्यवस्था का रूप इतना जटिल और विवादपूर्ण रहा है कि हट्टन के अनुसार आज तक इस पर लगभग 5,000 पुस्तकें और लेख लिखे जा चुके हैं। यदि हम जाति व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो इसके लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों को हट्टन के इस कथन से जाति व्यवस्था की जटिलता को सरलता से समझा जा सकता है। ओके, विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की विशेषताओं को भी संक्षेप में बता सकते हैं। जैसे नंबर 1 है समाज का खंडनात्मक विभाजन। ओके, नंबर 2 है संस्तरण। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्तरण होता है। नंबर 3 है आनुवंशिक सदस्यता। व्यक्ति को एक विशेष जाति की सदस्यता जन्म तथा आनुवंशिक रूप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अंतर्विवाही। जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना अनिवार्य है। इसी को अंतर्विवाह का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खान पान के प्रतिबंध। इस प्रतिबंध का संबंध पवित्रता और अपवित्रता की धारणा से होता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वीकृति। जाति व्यवस्था सामाजिक संस्करण के एक विशेष रूप में ही विकसित नहीं होती है, बल्कि धर्म ग्रंथ के अनुसार व्यवहार के ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने से उच्च जाति के अंदर व्यक्ति का आदर करे तथा मानसिक रूप से स्वयं को उसके अधीन समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।